एल्केलिनिटी कितना होता है वाटर का, हम इसको मेजर कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए। एल्केलिनिटी का मतलब क्या होता है और ये कौन क्रिएट करता है, कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट। तो इसका मतलब है कि जो अभी हमने देखा था, ठीक है, जो CO2 के कारण ही क्या बन रहा है तुम्हारा, कार्बोनेट और बायकार्बोनेट बन रहा है, तो ये एल्केलिनिटी क्या है, ठीक है। तो दिस इज द एल्केलिनिटी इज द मेजर ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, कि कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसी के मेजरमेंट को एल्केलिनिटी बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली जो CO2 हम मेजर कर रहे थे, एक्चुअल में यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं लेकिन एक डिफरेंट वे में कर रहे हैं, कि उसकी कैपेसिटी हमको पता करना है कि वो कितना रेजिस्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द मेजर ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, कि कोई वाटर कितने एसिड को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है, ठीक है। सो दस दिस इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन, ठीक है। सो एल्केलिनिटी एक्सप्रेस एबिलिटी ऑफ वाटर टू मेंटेन ए रिलेटिवली कांस्टेंट पीएच, ये बफर की तरह काम करता है। जहां भी तुम्हें ध्यान रहे, जो भी कैपेसिटी जो कि किसी भी पीएच को या हाइड्रोजन आयन को चेंज होने से रेजिस्ट करता है, वही तुम्हारा उसका बफर सिस्टम बनाता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी में भी, ब्लड में क्या होता है, बफर सिस्टम होता है, ठीक है। बफर सिस्टम का काम ही है कि सडन एच प्लस को इंक्रीज और डिक्रीज होने से बचाता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अचानक एसिडिक या बेसिक हो जाए हमारा मीडियम बॉडी का, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे एंजाइम काम नहीं करेगा, बहुत सारे प्रोटीन नहीं काम करेगा, है डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसलिए बफर सिस्टम हमेशा यूज होता है। तो यूजुअली ये बफर सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉन्स्टेंट पीएच। सो इन वाटर दिस अकर्स ड्यू टू डिजॉल्व हाइड्रोक्साइल, ये सब प्रॉपर्टी होता है वाटर का, जो नॉर्मल वाटर होता है एक्वेटिक सिस्टम में, जो हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं वो नहीं, वो फ्रेश होता है, ठीक है। तो डिजॉल्व हाइड्रोक्साइड होता है, कार्बोनेट होता है, बायकार्बोनेट होता है, फॉस्फेट होता है, ये सारा वाटर में प्रेजेंट होता है। तो ऑल्दो ऑल द बफर स्पीसीज कंट्रीब्यूट इन मेजर्ड एल्केलिनिटी, एल्केलिनिटी में कार्बोनेट और बायकार्बोनेट सबसे मेन फैक्टर होता है, बट उसके अलावा भी क्या क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होगा, फॉस्फेट होगा, और भी बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जो तुम्हें एल्केलिनिटी को ये करता है, ठीक है। सो ऑल्दो ऑल द बफर स्पीसीज कंट्रीब्यूट इन द मेजर्ड एल्केलिनिटी, सो इट इज एक्सप्रेस्ड एट मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर। इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं एल्केलिनिटी को, उसको इस रूप में एक्सप्रेस करते हैं कि पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट, मान लीजिए कि 1 मिलीग्राम, हमने कहता है कि वाटर है उसका क्या है 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर है। इसका मतलब है कि 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का एक यदि सॉल्यूशन है हमारे पास 1 लीटर में, वो जितना रेजिस्ट करेगा, वो जितना हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, सेम इफेक्ट वो हमारा वाटर दे रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट ही केवल है वाटर में, केवल उसको इक्विवेलेंट प्रेजेंट किया जाता है, उसको इस तरह से बोला जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोनेट आयन एंड कैल्शियम आयन। सो एलिवेटेड लेवल ऑफ कैल्शियम आयन एंड कार्बोनिक आयन रिजल्ट एलिवेटेड हार्डनेस एंड एल्केलिनिटी ऑफ वाटर। ये हार्डनेस वाला नेक्स्ट हमारा है, कि हार्डनेस इसी से मेजर करते हैं कि उसमें कितना ज्यादा कैल्शियम आयन है, ठीक है, या कार्बोनेट आयन है, ठीक है। सो द एल्केलिनिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल विद सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखना, अभी हमने क्या यूज किया था, जब हम CO2 पता कर रहे थे, CO2 क्या बना रहा था, एसिड बना रहा था, तो उस एसिड को हमने किससे टाइट्रेट किया था, बेस से टाइट्रेट किया था, ठीक है। तो वो हमारा किसका मेजरमेंट दिया, कितना CO2 उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि CO2 के कारण ही एसिड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट उल्टा कर रहे हैं, क्या उल्टा कर रहे हैं कि वो जो मीडियम है, मीडियम में कितना बेस है, ठीक है, कितना बेसिक है मीडियम, ठीक है, तो उसमें हमने ऊपर से एसिड डाला, यानी एच प्लस आयन डाला, तो कितने एच प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाता है हमारा वाटर, वही उसकी एल्केलिनिटी है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि बिल्कुल अपोजिट है मामला, जो हमने फ्री CO2 में देखा और जो हम अब कर रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे एसिड, ठीक है, हमारा वाटर है, वाटर में यदि हम टाइट्रेट करते हैं एसिड से, ठीक है, तो वो जितना भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में वाटर ये करेगा, ठीक है, वही हमारा
एल्केलिनिटी होगा उस वाटर के लिए. सो फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर अगेन हम वही यूज करेंगे, इज एडेड टू वाटर सैंपल विथ पीएच मोर देन 8, यानी 8.3 है. इसका मतलब है कि बेसिक है, ठीक है, टर्न इनटू पिंक कलर. और जब भी बेसिक होगा तो तुम्हारा वाटर कलर पिंक हो जाएगा जैसे तुमने फिनोफ्थेलिन डाला है. तो इतना तो तय है कि जो वाटर है हमारा बेसिक वाटर है, ठीक है. सो द हायर पीएच इज ड्यू टू किसके कारण है, ओएच माइनस के कारण है. तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है. यदि हम CO2 मेजर करते हैं, इसका मतलब है कि वो वाटर हमारा एसिडिक है, ठीक है, इसीलिए. और वो एसिडिक कौन बना रहा है, CO2 बना रहा है. और यदि तुम्हारा वाटर एसिडिक नहीं है तो जरूर वो एल्कलाइन है, यानी उसमें OH ज्यादा है, ठीक है. CO2 है तो H+ होगा बाइकार्बोनेट बनने की वजह से. और यदि बेसिक है तुम्हारा वाटर तो क्या होगा, उसमें OH- होगा. ये माइनस ऊपर में है, नीचे यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है. तो OH- आयन होगा, प्लस और भी होगा, ठीक है, कार्बोनेट होगा, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट होगा एंड बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है. So when titrated with the acid, first the OH minus is neutralized and the pink color is disappear. Obvious सी बात है कि यदि हमारा base है, उसमें हमने acid डाला, तो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, acid और base जहाँ भी मिलाओगे, वो क्या करता है, एक दूसरे को neutralize कर देता है, ठीक है. So when titrated with acid, first the OH minus is neutralized and the pink color disappear. This is used in calculating the phenolphthalein alkalinity. अब ध्यान रखना, इसमें तीन species हैं, OH minus, CO3 2 minus and HCO3 minus, ठीक है. तो ये जो तीन स्पेसीज है, पहला जो होता है कौन न्यूट्रलाइज होता है, OH होता है. सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे डालेंगे, पहला हमारा OH minus न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो यहां तक के एल्कलिनिटी को बोलते हैं फिनोफ्थेलिन एल्कलिनिटी, यहां तक तुम्हें पता चल जाएगा. उसके बाद नाउ मिक्स, उसके बाद एक दूसरा इंडिकेटर यूज करते हैं, किसके लिए, ये इंडिकेटर होता है इसके लिए और इसके लिए, ठीक है. तो मिक्स्ड इंडिकेटर, द इंडिकेटर टर्न्स वाटर इनटू ब्लू कलर. अब ये वाटर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा. ये शो कर रहा है कि वाटर में CO3 माइनस 2 और HCO3 माइनस 2 है, ठीक है, माइनस है. यदि नहीं टर्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि वाटर में नो मोर एसिड, ठीक है. सो उसके बाद फिर क्या करेंगे, टाइट्रेंट यानी अगेन सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना शुरू करेंगे. इज कंटिन्यू टू एड इट टिल द वाटर कलर बिकम रेड. जैसे ही बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट न्यूट्रलाइज होगा, ये दोनों जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा क्या होगा, तुम्हारा वो रेड हो जाएगा, ठीक है. इसका मतलब है इसमें दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है. एक फिनोफ्थेलिन यूज कर रहे हैं जो OH माइनस जब पहला है उसको शो करेगा, उसके बाद फाइनली दूसरा इंडिकेटर शो करता है. क्योंकि इंडिकेटर भी जो होता है ना, वो यदि एसिड के लिए इंडिकेटर या बेस के लिए इंडिकेटर है, तो अलग अलग पीएच के लिए इंडिकेटर होता है. फिनोफ्थेलिन उससे ज्यादा के पीएच पे काम ही नहीं करेगा, ठीक है. उसका 8.3 है, 8.3 से ज्यादा पीएच होगा तो वो काम करेगा ही नहीं, ठीक है. इसलिए फिनोफ्थेलिन का काम यहीं पर खत्म हो जाता है. उसके बाद मान लीजिए कि 12 है, ठीक है, उससे ज्यादा पीएच है, तो हमें मिक्स्ड इंडिकेटर का यूज करना है. तो द अपीयरेंस ऑफ रेड कलर इंडिकेट्स दैट ऑल द CO3 2- एंड HCO3- आयन आर न्यूट्रलाइज, ठीक है. दिस इज द एंड पॉइंट. इसको थोड़ा सा तुम इसे समझ सकते हो. प्रोसीजर सिंपल है, रिंच द ब्यूरेट, ठीक है. 0.02 नॉर्मलिटी इसमें लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. ये इसीलिए नॉर्मलिटी लेते हैं कि कहीं ना हमें बाद में कैलकुलेशन में मदद मिलता है कि स्ट्रेट हो जाता है कैलकुलेशन, यानी कि जितना सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे वही हमारा एल्कलिनिटी शो कर देगा इन टर्म ऑफ बाइकार्बोनेट मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है. तो ये सब सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन लिया जाता है, ठीक है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन. सेट द टाइट्रेशन अपीयर्ड, ठीक है. उसके बाद अपरेटस, टाइट्रेशन अपरेटस को स्टैंड को सेट करना है. उसमें ब्यूरेट में क्या फिल करना है, सल्फ्यूरिक एसिड फिल करना है. उसके बाद तुम 100 ml ऑफ वाटर सैंपल ले लो, ठीक है. 8 फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर. तो वाटर सैंपल विद ए पीएच मोर देन 8.3 टर्न इनटू पिंक. ध्यान रखना, पिंक कलर आने का मतलब है कि तुम श्योर हो जाओ कि वो वाटर बेसिक है, नॉट एसिडिक. सो द हायर पीएच इज ड्यू टू OH- आयन. 8 सल्फ्यूरिक एसिड स्लोली ड्रॉप वाइज टिल द पिंक कलर डिसअपीयर, ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड डालते जाओ, उसमें कलर डिसअपीयर हो जाएगा जैसे ही हाइड्रोक्साइल आयन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर तुम जो भी तुम्हारा यूज्ड हुआ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका वॉल्यूम तुम मेजर कर लो, ठीक है. उसके बाद 8 मिक्स्ड इंडिकेटर, उसके बाद तुम मिक्स्ड इंडिकेटर यूज करोगे, ठीक है. सो दैट विल टर्न दैट वाटर कलर इनटू ब्लू कलर, ठीक है. और ये ब्लू कलर किसके कारण आ रहा है, तो CO3 2- एंड
HCO3 माइनस आयन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो नाउ मोर एसिड इज कंटिन्यू टू एड टिल द वाटर कलर बिकम रेड। हम फिर से धीरे धीरे हम एसिड को उसमें ड्रॉप वाइज एड करते जाएंगे, स्टेयर करते जाएंगे, और लास्ट ड्रॉप पर जब तुम्हारा रेड कलर बन जाएगा हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम टू। वॉल्यूम टू इज एंटायर वॉल्यूम होता है, याद रखना, यानी वॉल्यूम वन भी इसमें इंक्लूडेड है। वॉल्यूम टू में वॉल्यूम वन भी इंक्लूडेड है प्लस जो और यूज हुआ होगा। सो एंटायर वॉल्यूम यूज इज नोटेड, ठीक है, डाउन। दिस वैल्यू इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल एल्केलिनिटी। तो तुम्हारे सिलेबस में यही लिखा हुआ है, टोटल एल्केलिनिटी निकालना है, नॉट द ओनली फेनोफ्थेलिन एल्केलिनिटी। ये सब टर्म भी यूज होता है। देख सकते हो कि फेनोफ्थेलिन इंडिकेटर हम ले रहे हैं, जैसे हम लेंगे यदि इसका पीएच 8.3 है तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, पिंक कलर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा OH खत्म हो जाएगा, ये वाला न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये किसमें हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा। सो OH माइनस इज नाउ न्यूट्रलाइज, सिंपल कलर टर्न इनटू ब्लू नहीं होगा, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू एड द मिक्स्ड इंडिकेटर, ठीक है। मिक्स्ड इंडिकेटर डालते ही ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लू कलर किसके कारण हो रहा है, तो ये CO3 और HCO3 के कारण हो रहा है, ठीक है। अब फिर से टाइट्रेट करेंगे, फर्दर टाइट्रेट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वन ड्रॉप बाय ड्रॉप करेंगे तो ये दोनों न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए शो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो नाउ योर सैंपल कलर बिकम रेड, ब्लू से रेड हो जाएगा, दिस इज योर एंड पॉइंट। इस तरह से तुम्हारा ये हो जाएगा। तुम डिस्कशन में लिख सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस होता है पीएच का, ठीक है, पीएच ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ए रैपिड चेंज इन पीएच में भी हार्मफुल, सो द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर प्रिवेंट द रैपिड चेंज इन पीएच वाटर। जिसका एल्कलिनिटी ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ही पीएच को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। सो हायर एल्कलिनिटी काउज वाटर, हाँ, यदि एल्कलिनिटी हायर होगा तो वो टेस्ट बड़ा बीटर होगा, उस तरह का वाटर को तुम पियोगे ना तो तुमको बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा बेसिक होगा उसमें। और यदि बहुत ज्यादा एल्कलिनिटी है तो पाइप को कोरेट ज्यादा करेगा, वॉल्व जैसे होता है कोई भी, जो भी तुम्हारा मेटल का चीज होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा जंग लग जाएगा, उसमें बहुत सारा मेटेरियल एड होना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एल्कलिनिटी बहुत ज्यादा होता है। वेस्ट वाटर हैज हायर एल्कलिनिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हायर लेवल ऑफ हाइड्रोक्साइड, एंड इट कैन बी डिस्चार्ज डायरेक्टली, कैन नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू नॉर्मल वाटर। कारण क्या होता है कि जो वेस्ट सीवेज वाटर जाता है, वेस्ट वाटर जाता है तुम्हारा हर घर से जाकर जो बाहर में जाता है नली में, ठीक है, उस वाटर को डायरेक्ट किसी वाटर बॉडी में, किसी रिवर में, किसी वेल में नहीं डाला जा सकता है, ठीक है, उसको प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एल्कलिनिटी होता है, उसमें बहुत ज्यादा OH माइनस और अदर ये होता है कि उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो पानी को ये कर देगा। तो डिस्कशन में तुम कुछ और भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन में ये सिंपल सा कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला है, तुम इसमें नॉर्मलिटी है, ये तुम्हारा ML स्टैंडर्ड एसिड यूज जो हो रहा है, ठीक है, वो तुम्हें यूज करना है। सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज किया हुआ है यहाँ पे, या हाइड्रोक्लोरिक यूज किया है, नॉर्मलिटी जो है उसका यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 50,000 उसका फैक्टर है, किस फैक्टर से ये कैलकुलेट करना होता है, 50,000 तुम्हारा कैलकुलेशन से निकलेगा, ये चूंकि यहाँ पर एक ही साथ लिख दिया है, चूंकि लीटर में भी कन्वर्ट करना है तो सारा फैक्टर एक साथ कर दिया है। इसमें तुम्हारा जो इक्विवेलेंट वेट होगा, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट होगा, सारा एक साथ ही इसमें मेजर कर दिया है, ठीक है। और कितना सैंपल तुम्हारा तुमने लिया है, 100 ml सैंपल लिया हुआ है, इसको तुम इस तरह से निकाल सकते। प्रिकॉशन, ये जो तुम्हारा इंडिकेटर होता है वो एल्कोहल में सॉल्युबल होता है, इसलिए उसको हमेशा क्लोज रखना होता है, जैसे बोतल है तुम्हारा उसको खुला मत रखो, नहीं तो क्या कर जाएगा, एल्कोहल एडल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज है जो मिक्स्ड इंडिकेटर होता है, यदि स्किन पे पड़ गया, ठीक है, तो वो तुम्हारा स्किन ब्लू कलर हो जाएगा, और वो ब्लू कलर एक दो दिन नहीं रहेगा, 3-4 साल रहेगा, तुम कुछ भी कर लो मिटेगा नहीं, ठीक है। दिस इज द मिक्स्ड इंडिकेटर, इसलिए बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है मिक्स्ड इंडिकेटर्स का, कि स्किन में लगेगा तो तुम्हें बहुत सारा इस तरह का डाई होता है, ठीक है, कि तुम्हें स्किन पे आने के बाद वो जल्दी नहीं छूटता है। तुमको पता है कि जब टैटू वगैरह बनाया जाता है तो इसी टाइप की कुछ चीजें यूज की जाती है कि तुरंत नहीं हटेगा वो, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल तुम्हारी स्किन में रहता है इमीडिएटली।